व्हाट्सअप गाइस, एंड आपको याद होगा आज से 10 से 12 दिन पहले हमने एंजो मैश चेयर जो कि वीजे इंटीरियर की तरफ से आती है, इसको हमने अनबॉक्स करा था। एक काफ़ी लॉन्ग टर्म छोटा सा वीडियो बनाया था, लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक आज के इस वीडियो की, तो आज हम करने वाले इसका एक लॉन्ग टर्म यूसेज रिव्यू। आज से 10 दिन पहले का पूरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। मैंने इसको कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ करा है अपने कंप्यूटर के सामने, तो मैं आपको क्लियरिटी से बता सकता हूँ कि आखिर ये कैसा परफॉर्म करी, कैसी कंफर्टेबिलिटी रही एंड कैसा पूरा बैकरेस्ट वगैरह रहा। तो इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग एंड गाइस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गाइस, हमने इसको पर डे 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस यूज़ करा है, कभी कभी 6 से 7 घंटे भी यूज़ करा है। एंड उस बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कंप्यूटर के सामने हम लोग बैठे रहते थे एंड काफ़ी इजीली हम इसको एक्सेस कर पाते थे। इसमें मुझे ना दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी, जैसे कि इसका लंबर सपोर्ट आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजीली आप बैंड कर सकते हो इस चेयर पर, एंड इस कारण से हम कंप्यूटर के सामने काफ़ी अच्छे लॉन्ग टर्म तक काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ सकते थे। किसी भी तरह का बैक पेन, किसी भी तरह का लेग पेन या नेक पेन आपको देखने नहीं मिलेगा इस चेयर के साथ में, एंड ये चीज़ मैंने खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रखी है। इसके साथ में आपको हैंडरेस्ट देखने मिलते हैं, वो भी दोनों साइड में। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ आपको, अगर आप किसी भी तरह का काम करते हो जो कि कीबोर्ड से रिलेटेड है, तो आप यूजुअली अगर इस तरीके से टाइप करोगे तो आपके हाथ में किसी भी तरह का पेन नहीं होने वाला है, एंड ये चीज़ यहाँ पर काम आ जाती है। टोटल इसकी हाइट छोटी सी है चेयर की, इस कारण से आप काफ़ी इजीली एक्सेस कर पाते हो कीबोर्ड्स को, एंड ये काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं एंड इतना जो है नीचा भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड ये चीज़ प्रैक्टिकल यूज़ पर आपको समझ आएगी। इसके बेस की बात करते तो ये कम्प्लीटली मेश से बना हुआ है एंड इसके अंदर हमें कम्प्लीटली एक फोम एडजस्टमेंट का पूरा देखने मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बेस की, तो यार देखो इतना टाइम यूज़ करा है एंड कम्प्लीटली डेली यूज़ करा है, तो आप इतना समझ सकते हो कि फोम दबने या फोम से कोई प्रॉब्लम या कंफर्टेबिलिटी में इशू टाइप का कुछ हमें देखने नहीं मिला। बेस की बात करते तो बेस कम्प्लीटली मैश पैडिंग के साथ में आता है एंड इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फोम देखने मिलता है। अब ऐसा मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि यार 5 से 6 घंटे डेली यूज़ करना, वो भी दिन के टाइम पर, और इससे उठना नहीं, मतलब इसी पर ही सारा काम होता था हमारा। भाई काम चल रहा है कंप्यूटर पे, इसी पे ही हो रहा है, बैठे भी इसी पे हैं, खा भी इसी पे रहे हैं, तो ये चीज़ के कारण ना इससे एक चीज़ की बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि इसका फोम अच्छा परफॉर्म करे, जो कि हमें देखने मिला। एंड पूरे 10-12 दिनों में एक बार भी इसका फोम जो है दबा दबा हमें फील नहीं हुआ, जैसा फर्स्ट डे था वैसे ही 12 दिन के बाद है। अब इसके बाद का क्या रिव्यू रहेगा वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी की कहानी यही है कि इसके फोम की पैडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है एंड काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी का फोम आपको इसमें देखने मिलता है। इसके पीछे आपको कम्प्लीटली मेश पैडिंग देखने मिलती है एंड इसमें किसी भी तरह का फोम यूज़ नहीं हुआ है, एंड इस कारण से ये जो चेयर है ना और ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाती है बाकी कंपटीशन से, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का लेदर या किसी भी तरह का फोम देखने नहीं मिलता, जिस कारण से चेयर थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। मेश पैडिंग की काफ़ी अच्छी बात होती है कि जब आप इस पर थोड़ा लॉन्ग टर्म बैठते हो ना, तो आपको किसी भी तरह का बैक पेन फील नहीं होता, एंड ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करी है इस चेयर के साथ में। एंड जैसे आप इस पर बैठोगे तो काफ़ी एक अच्छा सा टिल्ट इफेक्ट आपको देखने मिलता है, मतलब बेंडिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस चेयर की, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक फुल एंड फाइनल रिव्यू की बात करते थे, यार देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। सबसे पहली बात व्हील्स, तो इसके व्हील्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं एंड हमारे यहाँ टाइल्स का काम है, तो पूरा टाइल्स पर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हम सर्व स्विवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसका स्विविल, जो स्विविल आपको पूरा कम्प्लीटली 360 देखने मिलता है, एंड ये इतना ज़्यादा स्मूथ है कि किसी भी तरह की आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता। 12 दिन के अंदर मुझे एक बार भी इसमें किसी भी तरह की चूचा देखने नहीं मिली, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद व्हील्स के साथ साथ में आपको क्रोम का पूरा बेस देखने मिलता है, जो कम्प्लीटली स्टील मेड है, एंड इस कारण से भी ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ की मुझे कमी लगी, हाइट थोड़ी और बेटर होती तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन जितनी इसकी हाइट है ना उस हिसाब से इसका पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है, तो अगर आप बड़ी हाइट की भी लेना चाहते हो इनकी साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अगर आप जाओगे vjinteriors.co.in पर, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिली जाएगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो अपने मनपसंद चेयर, वो भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में। एंड गाइज, इनकी साइट पर एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप यूज़ करते हो vjboss नाम का एक कूपन कोड, तो आपको जो है इंस्टेंटली 500 रुपये का जो है डिस्काउंट देखने मिल जाएगा, वो भी अप फ्रंट, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, तो इसको चेक ज़रूर से करना। बाकी आज किस वीडियो के लिए बस इतना ही, होप सो आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। कोई क्वेश्चन है तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहीं के वहीं। एंड गाइस, अगर आप परचेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।